मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला व्यापम घोटाले के बाद राज्य का दूसरा बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश के 308 नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। नर्सिंग कॉलेज में अनियमितताओं की शिकायत के लिए यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक पहुंचा था। हाई कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं यश पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। प्रदेश में नर्सिंग के 308 विद्यालय हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट की जांच के बाद एक सूटेबल शब्द को इजाद किया सीबीआई ने। अब इसका अर्थ ना तो हम समझ पा रहे हैं और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसका अर्थ लगा रहे हैं। 169 कॉलेज सूटेबल घोषित किए। अब ये सूटेबल मंत्री जी के लिए है, बीजेपी की सरकार के लिए है, ये किसके लिए सूटेबल है? 169 कॉलेज को सूटेबल डिक्लेयर किया और 73 कॉलेज को डिक्लेयर किया जिनमें कमियां हैं, और 66 कॉलेज अपात्र घोषित किए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कमियां और अपात्र किसी कॉलेज में कमियां होती हैं तभी तो वो अपात्र होता है, लेकिन इसको भी दो श्रेणियों में बांटा, एक कमियां और दूसरा अपात्र। इसको मैं ठीक से समझा दूं, किसी भी महाविद्यालय जो बीएससी नर्सिंग है या एएनएम है या जो भी है, इसकी तीन कैटेगरी है। इसको जब शुरू किया जाता है तो पहले आवेदक अपनी एप्लीकेशन लगाता है, फिर विभाग या नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल काउंसिल, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय मेडिकल काउंसिल अपनी समिति बनाती है। समिति ये जाके देखती है कि अगर 40 बच्चों सीट मांगी है कॉलेज में तो उसमें कितने स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होना चाहिए और कितने स्क्वायर फीट का छात्रावास होना चाहिए। क्रमशः जब सीटें बढ़ती हैं तो अगर एक विद्यार्थी अतिरिक्त एक सीट बढ़ती है तो 3 बिस्तर का हॉस्पिटल अतिरिक्त उसके लिए बनाना पड़ता है। 40 सीट की अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो 100 बिस्तर का हॉस्पिटल चाहिए, 100 सीटों की अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो 300 बिस्तर का हॉस्पिटल चाहिए। अब जब निरीक्षण कमेटी जाती है और निरीक्षण करके ले आती है और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है मेडिकल काउंसिल के सामने और विश्वविद्यालय मेडिकल विश्वविद्यालय के समक्ष, तो उस रिपोर्ट के आधार पर अनुमति दे देते हैं कि आप कॉलेज शुरू कर लीजिए। इस तरह से मध्य प्रदेश में 308 कॉलेज शुरू हो गए। जब इनमें अराजकता लोगों ने देखी, बहुत निम्न दर्जे की अनियमितताएं लोगों ने देखी, तो लोग न्यायालय गए, पहले गए इनके पास, मतलब सरकार के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास। वहां न्याय नहीं मिलने के बाद फिर लोग हाईकोर्ट गए ग्वालियर। जब हाईकोर्ट ग्वालियर गए तो हाईकोर्ट ग्वालियर ने सीबीआई को इंक्वायरी के लिए दे दिया। जब सीबीआई ने इंक्वायरी करी तो 169 कॉलेज सूटेबल, 73 कॉलेजेस में कमियां और 66 कॉलेज अपात्र बताए गए,
जिसमें दिलचस्प बात यह है कि 9 महाविद्यालय वो थे जो शासकीय थे, जिनको अपात्र घोषित किया और जिन्होंने कई बैच निकाल दिए। जब मापदंड के अनुसार नहीं है कॉलेज, जब लैब नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, कंस्ट्रक्शन एरिया नहीं है और अनेक बैच पढ़ लिख के सरकारी अस्पतालों से निकल गए, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहे होंगे उस हॉस्पिटल की क्या हालत होगी और जीवन मृत्यु से संघर्ष करने वाले लोगों का वो क्या सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक। आइए अब संक्षिप्त में जानते हैं इस मुद्दे के बारे में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रवि परमार से। बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से नर्सिंग कॉलेज जो खोले जा रहे थे उनको लेकर नियमों को में बदलाव, किस तरह से नियमों में जो किया गया था परिवर्तन, उन नियमों के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए क्या क्या नियम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज संचालित करने के लिए पहले सबसे जो प्रायोरिटी है वो आपके पास 100 बेड का अस्पताल होना अनिवार्य है। अगर 100 बेड का अस्पताल आपके पास नहीं होगा तो आप नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग है वो 23,000 वर्ग फीट होना चाहिए। अगर वो 23,000 स्क्वायर फीट वर्ग फीट नहीं होगी तो आप नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं फैकल्टी के नियम भी हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजों में बहुत बड़ा फैकल्टी का भी घोटाला हुआ है उसमें भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से फैकल्टी होना चाहिए उसमें प्रचार, उपचार, प्राध्यापक, प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक और टीचर होना चाहिए। इन सबकी एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। सब एमएससी नर्सिंग से होना चाहिए जिनने की बीएससी नर्सिंग के बाद 2 साल का एमएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो किया होना चाहिए। वहीं प्रचार के लिए 15 साल का अनुभव होना चाहिए, उपचार के लिए 12 साल का अनुभव होना चाहिए इन लोगों को, और प्राध्यापक के लिए 10 साल का अनुभव होना चाहिए, सहायक प्राध्यापक के लिए 8 साल का अनुभव होना चाहिए, वहीं टीचर के लिए 3 साल और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं इन नियमों में 10 स्टूडेंट पर रहता है। अगर स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है तो आपको शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगी विश्वविद्यालय में। उसके बाद जब आप महाविद्यालय का संचालन करते हैं तो उसमें आपको नियम अनुसार फंडामेंटल लैब, न्यूट्रिशन लैब, साइकोलॉजी लैब, ये सब लेबोरेटरी जो कि नर्सिंग के पाठ्यक्रम में है, जिनको गहन चिकित्सा करने के बाद इन लेबोरेटरी में ट्रेनिंग दी जाती है प्रत्येक महीने छात्रों को, वो होना चाहिए। अब उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में फर्जी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की गई उसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से फर्जी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की गई। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 24 सितंबर 2021 को एक फर्जी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की थी जो सुनीता सीजू थी, जिन्होंने ये पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को अंजाम दिया। ये सुनीता सीजू भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर थी, उनको रजिस्ट्रार बना दिया जहां पर योग्यता नहीं थी, उनके पास अनुभव नहीं था। वहीं उनकी शिकायत ईओडब्ल्यू तक में चल रही थी, उनकी कई लंबे समय से ईओडब्ल्यू में शिकायत चल रही थी, उसके बाद भी उनको मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रार बना दिया था। जिस दिन वो रजिस्ट्रार बनी उसी दिन हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि इनको तत्काल हटाया गया जाए, इनके ऊपर आर्थिक अनियमितताएं और अन्य कई प्रकरण चल रहे हैं जिनमें इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप है और ना ही ये रजिस्ट्रार के पद के लिए योग्यता है। इनकी योग्यता भी विहीन थी, कार्य क्षमता विहीन थी ये, उसके बाद भी इनको रजिस्ट्रार बना दिया, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनको यथावत रखा, क्योंकि फिर मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला नहीं होता अगर इनको नहीं रखते ऐसे फर्जी लोगों को। तो ऐसे फर्जी लोगों को रजिस्ट्रार बना बनाकर मध्य प्रदेश में नर्सिंग का घोटाला किया गया। उसके बाद जब जबलपुर हाईकोर्ट ने 23 अगस्त 2022 को एक बड़ी टिप्पणी की कि जो योग्यता पूरी नहीं की कर रही है उनको रजिस्ट्रार क्यों बनाया गया, तो उसके बाद चिकित्सा विभाग ने आनंद फानंद में 23 अगस्त को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इसको निलंबित कर दिया। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है
कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनको निलंबित किए जाने के बाद चिकित्सा शिक्षा द्वारा इनको विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी जो कि एक रजिस्ट्रार को मिलती है। इनको नर्सिंग काउंसिल से गाड़ी मिल रही थी, इनको चिकित्सा शिक्षा विभाग में बैठने के लिए केबिन बना दिया गया था, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब इतनी शानदार फैसिलिटी जा रही थी हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी। उसके बाद फिर हमने दोबारा न्यायालय में इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये सब क्या विशेष है इनमें सुनीता सिद्धू में, क्योंकि अगर इनके ऊपर कार्रवाई करता चिकित्सा शिक्षा विभाग तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी इसमें रडार पर आ जाते, क्योंकि वो एक की एक परतें खोल देती, क्योंकि पूरा सिंडिकेट चल रहा था नर्सिंग घोटाले का और ये सुनीता सिद्धू के माध्यम से चलाया जाता था, जिसके लिए आज तक सुनीता सिद्धू पर एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा मामला तब सामने आया जब मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति अशोक खंडेलवाल, रजिस्ट्रार पुष्पराज बघेल और परीक्षा नियंत्रक सचिन कुचिया, इन सभी लोगों ने साठगांठ करके फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश के उन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी जो 2020 से चल रहे थे, लेकिन उनको इतने लंबे समय से मान्यता क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि वो फर्जी थे, नियमों पर संचालित नहीं हो रहे थे, मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। जो इनके पहले कुलपति थे उन्होंने इन कॉलेजों को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद इन कुलपति और रजिस्ट्रार ने साठगांठ करके फरवरी 2023 में इन कॉलेजों को मान्यता जारी कर दी। वहीं फरवरी 2023 में ही इनके नामांकन करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं 28 फरवरी से इनके परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए थे और इनके परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होने के बाद 27 फरवरी को माननीय ग्वालियर हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगा दी थी कि आप ये गंभीर विषय है कि आप फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देकर फर्जी छात्रों को प्रवेश करवाकर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को एक बड़े पैमाने पर संचालित करने का कार्य कर रहे हैं साठगांठ के साथ। उसके बाद अप्रैल 2023 में ग्वालियर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और सीबीआई को इस भरोसे से जांच के आदेश दिए थे कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा नर्सिंग घोटाला है जिसकी सीबीआई जांच करेगी तो कई तथ्य सामने आएंगे और कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन सीबीआई को जो जांच दी गई थी उसकी सीबीआई ने एक साल तक लंबे समय तक जांच की और जांच में सामने आया कि सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी। वो माननीय मुकेश नायक जी आपको बता चुके कि उस रिपोर्ट में क्या था, लेकिन उस रिपोर्ट पे भी तब सवाल खड़े हुए जब सूटेबल लिस्ट में शामिल कॉलेजों को हमने हकीकत में देखा। उन कॉलेजों की वास्तविक स्थिति ये थी कि उनके पास ना बिल्डिंग थी, ना अस्पताल था, ना फैकल्टी थी, मतलब तीन बड़े नियम है नर्सिंग कॉलेज संचालित करने के, उनमें से एक भी नियम वो पूरा नहीं कर रहे थे। उन कॉलेजों की हमने शिकायत बनाई, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की और वो पूरी रिपोर्ट हमने सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और माननीय उच्च न्यायालय और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों को सौंपी थी, लेकिन मंत्रियों ने उसमें पूरी लिपापोती करना चालू कर दिया था। फिर दिल्ली सीबीआई के निदेशक ने इसमें एक बड़ी टीम का गठन कर और इन लोगों को पूरी तरह से ट्रेस किया। उसमें अभी 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कल कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 23 लोग इसमें कुल अपराधी है और इन अपराधियों के ऊपर पुराने भी कई मामले चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों पर अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और आपने देखा अभी एक छोटू मेरी की जब मैं नर्सिंग घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था तो मुझे हथकड़ी लगाकर जेल ले गए थे और ये आरोपी को गिरफ्तार कर रहे होंगे हाथों लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए, तो ये फोन पे बात कर रहे हैं, सीबीआई की कस्टडी में माननीय न्यायालय में बैठे और फोन पे बात कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई है। सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखावे की कार्रवाई हो रही है, अगर सख्ती से कार्रवाई होगी तो सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें गिरफ्तार होंगे। जिस तरह से देखा कि भोपाल में एक कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के द्वारा संचालित स्कूल में चल रहा है, उसमें एक और कॉलेज चल रहा है, मतलब एक बिल्डिंग में दो नर्सिंग कॉलेज और एक स्कूल चल रहा है, वो 8000 स्क्वायर फीट की छोटी सी बिल्डिंग में इतने बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा था। वहीं अब मैं बताऊंगा आपको फर्जी फैकल्टी के बारे में, मध्य प्रदेश में किस तरह से फर्जी फैकल्टियों को बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 22-23 सत्र की जब हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकाली थी तो 284 कॉलेजों में फर्जी फैकल्टी थी, 1624 फैकल्टी फर्जी फैकल्टी निकली थी। ये फैकल्टी मध्य प्रदेश की नहीं थी, ये अन्य राज्यों से माइग्रेशन करवाकर लाई गई हुई फैकल्टी थी और ये सिर्फ फैकल्टी कागजों में थी,
इन कागजों में इन फैकल्टियों को रखा गया था जिसमें संख्या फिर से बता दो, संख्या फिर से बता दो। देखिए सत्र 2022-23 की जो कॉलेजों की मान्यता वाली जानकारी थी उसमें 1624 फैकल्टी 284 कॉलेजों में रजिस्टर्ड थी। इन कॉलेजों में ये माइग्रेशन पे लाई हुई फैकल्टी थी, इसके लिए हमने कई बार शिकायत की। उसके बाद ये कागजों पे थी, फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी इसकी, ये अन्य राज्यों की फैकल्टी थी। इनको मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सिर्फ कागजों में दिखाया गया था और हैरान कर देने वाला मामला तब आया कि जो फैकल्टी सिर्फ कागजों में है वो नौ दस दस कॉलेजों में प्रचार है, कोई आठ आठ दस दस कॉलेजों में पढ़ा रहा। आप समझिए ना कैसे संभव हो सकता है। तो ये थे रवि परमार जिन्होंने इस मुद्दे को संक्षिप्त में बताया। ऐसे ही देश दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।